बहुचर्चित 10 वर्षीय नाबालिका को दुष्कर्म पर हत्या घटना पुलिस को सफलता। घटन संप्रक्त थिबा सेही गांव अलेख माझी और परमानंद देसारी दुईज अभियुक्त को गिरफ्त कला पुलिस। घटनार 8 दिन पर पुलिस को मिली सफलता। नवरंगपुर जिला तेंतुलीखुंटी थाना अंचल गत 17 तारीख दिन घटी घटना। गत 17 तारीख दिन जिलार तेंतुलीखुंटी थाना अंचल 10 वर्षीय नाबालिका दुष्कर्म पर हत्याकांड अभियोग घटनार 8 दिन मध्य दुईज दोषी को गिरफ्त करने सहित मामला नहीं खुलासा कर पुलिस। घटना जड़ित दुईज को गिरफ्त करिबारे सक्षम हो पुलिस। आज एने नवरंगपुर जिला पुलिस कार्यालय अनुषित सांबादिक सम्मेलन सूचना देखते दक्षिणांचल डीआईजी चरण सिंह मीना। गिरफ्त दुई अभियुक्त हेले अलेख माझी और परमानंद देसारी उभय से ग्रामर होता सूचना देखते डीआईजी। दुई अभियुक्त द्वारा नाबालिका को दुष्कर्म उद्यम होता बेले दुष्कर्म नहीं नाबालिका कहा सम्मुखें घटना प्रकट कर तंटी छिपी हत्या कर सूचना देखते डीआईजी। आज दुई अभियुक्त को कर्जना कर घटनार 15 दिन मध्य दोषी को गिरफ्त बोली पीड़िता नाबालिका परिवार को नवरंगपुर जिला पुलिस पक्ष लिखित प्रतिश्रुति दी। घटना को नहीं विभिन्न सामाजिक संगठन तरफ दोषी को शीघ्र गिरफ्त दाबी तेंतुलीखुंटी बंद डाकरा दी। सहित विभिन्न राजनैतिक सह विभिन्न संगठन यह विभिन्न प्रकार दाबी करने सहित पीड़िता परिवार सहाय्य जगेबाकु अनुरोध करथले। गत 17 सेप्टेम्बर रे तेंतुलीखुंटी थाना अंतर्गत कंटा गांव रे गोटे संवेदनशील घटना घटी थिले जहाँकि गाँव मुंड स्कूल सन्निकट रे जन 10 वर्ष नाबालिका मृत शरीर संदेहजनक अवस्था रे मिली थिला। उक्त घटना संक्रांत रे तेंतुलीखुंटी थाना रे केस नंबर 222/24 अंडर सेक्शन 103(1)-238 BNS रे मुकदमा दर्ज होई थिले और गोटे डीएसपी रैंक रो ऑफिसर नवरंगपुर एसडीपीओ को तार केस रो तदंत भार दिया जाय थिले। ताकु सहयोग करिबा पई एसपी को निर्देश रे एडिशनल एसपी बटकृष्ण मिश्र डीएसपी राजकिशोर दास एसडीपीओ पापड़ाहांडी मीनाक्षी ठाकुर डीएसपी डीआईबी मनोज पुजारी इंस्पेक्टर संबित पात्रा और आईआईसी तेंतुलीखुंटी को मध्य नहीं के मध्य विभिन्न टीम गठन करागला। सही दिन तदंतकारी अधिकारी और अन्य सीनियर ऑफिसर साइंटिफिक टीम साइंटिफिक फॉरेंसिक टीम डिस्ट्रिक्ट साइबर टीम डॉग स्क्वाड मध्य घटनास्थल को परिदर्शन करथिले। तदंत समय रे घटनार प्रत्येक दिक को पुंखानुपुंख तर्जमा करा जायथिला और त्वरित पदक्षेप नेबा हेतु आमे ए केस को शीघ्र डिटेक्शन करिवारे सफल हेलु। उक्त ग्राम रो दुई जण अभियुक्त जार एज होउची 20 वर्ष गोटेर होउची 24 सेमानंकु नाबालिक झियंकु सेक्सुअल असल्ट तथा हत्या अभियोग रे आमे अटक रखिथिलु। आसामी मानंकर विरुद्ध रे जथेष्ट परिमाण रे प्राथमिक साक्ष्य थिबारु सेमानंकु आज गिरफ्त करा जाउची और कोर्ट चालान मध्य करा जाउची। आमे मृत पीड़िता ताकर परिवार को न्याय प्रदान करिबा पई आसामी मानंकर विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा पई आमे प्रतिश्रुतिबद्ध अछु। संपूर्ण घटना जो है और जो केस है ताकर तदंत को आम और भी बेसी एक्सपेडाइट करके खूब अतिशीघ्र चार्जसीट मध्य कोर्ट को सबमिट करूँ। आगामी दिन में मान्यवर कोर्ट को मध्य ए केस्र ट्रायल प्रक्रिया जो रोचंती ताकु मध्य त्वरित करने आम प्रार्थना करूँ प्रेयर करूँ। आमे आपण मैंने जानते आम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रा माध्यम से पीड़िता परिवार को खूब शीघ्र विक्टिम कंपनसेशन स्कीम तहत रे जो कंपनसेशन दिया जाउची सेटा को भी मध्य आम एक्सपेडाइट करूची और खूब शीघ्र सेटा को भी आम इंश्योर करूँ। आमे मृतक झीटा अच्छी ताकर न्याय पाई और ताकर फैमिली को लीगल सहायता पाई सब बड़े आमे ता संगे छेड़ाई छी आमे प्रस्तुत छु।
सेटा हमें दे छु 1 और 238 रेप्रो किसी तो कहीं नहीं जो एफआईआर टा जो है छी सेटा आज ही जो लागे छी अबे जो एविडेंस हासिलला पर लागिला जो दिन एफआईआर जो हैला सेटा 103 1 और 238 रही सेटा रजिस्ट्रेशन हेथिले नवरंगपुर निहारंजन विषयक रिपोर्ट सकल खबर।